सब कुछ उल्टा पुल्टा करके फ्लॉप शो किया, फिर भी हिट रहा यह एक्टर उल्टा पुल्टा। और फ्लॉप शो जैसे नाम आते ही जेहन में जसपाल भट्टी का नाम आ जाता है। जसपाल भट्टी एक ऐसे अभिनेता थे जो सामाजिक मसलों पर बड़े ही अनोखे अंदाज में व्यंग्य किया करते थे। 3 मार्च 1955 को जन्मे जसपाल भट्टी की 25 अक्टूबर 2012 को एक सड़क हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई थी। फ्लॉप शो से हिट हुए जसपाल भट्टी। जसपाल भट्टी को 1990 के दशक में उनके कम बजट के टीवी सीरीज फ्लॉप शो से घर घर में पहचाना जाने लगा। खास बात यह है कि इस सीरीज की प्रोड्यूसर उनकी पत्नी सविता भट्टी थी। यही नहीं, असल जिंदगी के यह पति पत्नी फ्लॉप शो में भी मियां बीवी के रूप में नजर आते थे। इस सीरीज में सिर्फ 10 ही एपिसोड शूट किए गए थे, लेकिन हर उम्र के लोगों को यह पसंद आया और आज भी इस शो के प्रशंसक आसानी से मिल जाते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले फ्लॉप शो और उल्टा पुल्टा के चलते ही जसपाल भट्टी को किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाने लगा। इन्हीं कार्यक्रमों में काम करके शोहरत कमाने वाले विवेक शॉ ने बाद में फिल्मों में भी काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी भी 10 जनवरी 2011 को मौत हो गई। जसपाल भट्टी और नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। जसपाल भट्टी आम लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाले मुद्दों को इतनी सहजता से उठाते थे कि हर कोई उनके व्यंग्य पर हंसने को मजबूर हो जाता है। यही नहीं, उनकी टीवी सीरीज के नाम भी ऐसे होते थे जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। फ्लॉप शो, उल्टा पुल्टा, सेहजी की एडवाइस, फुल टेंशन, थैंक यू जीजाजी और ढाबा जंक्शन जैसे उनके देश के मध्यवर्ग की कहानी बयान करते थे। इनके अलावा वे टीवी शो कॉमेडी का किंग कॉन में जज के तौर पर शामिल हुए, जबकि पत्नी सविता के साथ डांस रियलिटी शो नच बलिए में भी उन्होंने ठुमके लगाए।